सर, थोड़ी देर पहले आप मस्जिद में आए, आपने यहाँ पे असर की नमाज देखी, यहाँ के स्कॉलर्स को सुना, अब आप जा रहे हैं। आप जाते वक्त मैं आपके हाथ में एक कुरान की कॉपी देख रहा हूँ और एक फूल देख रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो मेरा नाम आशीष पांडे है और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मुझे मस्जिद की जहाँ तक बातें हैं, चूँकि मैं पहले मालवनी में रह चुका हूँ, मेरा बचपना मालवनी में गया है और मस्जिद मेरे लिए कोई मतलब एक कोई नई चीज़ नहीं है। मैं मस्जिद में अक्सर आया जाया करता था, मस्जिद में मैं अपने दोस्तों के साथ नमाज़ भी अदा की, हालाँकि मुझे नमाज़ की जो प्रक्रिया थी वो नहीं आती थी, हालाँकि लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर बैठ जाता था। कभी कभी मौलाना जी भी थोड़े से अपसेट हो जाते थे कि ये कौन है, ये ऐसा है, लेकिन बाद में बातचीत से वो सब चीज़ हो गया और मैं अक्सर अमूमन आया जाया करता था। लेकिन आज यहाँ पर ये एक पीस एक कार्यक्रम ऐसा रखा गया था, एक संदेश आया था, तो मैं भी आया हूँ, चलो देखते हैं क्या है। लेकिन जो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने जो एक पहल रखी थी, डॉक्टर साहब ने जिस तरह की बातें की, वाकई में मैं कहना चाहूँगा कि वो उन्होंने बहुत बेहतरीन बात की। और इस तरीके की ये जो ड्राइव है, ये अमूमन सना मस्जिद में आज हुई है और ये सब जगह होना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जहाँ पर एक छोटी संकरी मस्जिद है, जो एक यूँ कहें कि कम्युनल हारमोनी वाला क्षेत्र है, उस जगह पे अगर ये हो तो एक बेहतर मैसेज जाएगा। और जो अमूमन हम बात करते हैं कि यहाँ पर ऐसा होता है या मस्जिदें में वो होती हैं, तो ये कोई बात नहीं। देखिए, हम हिंदुस्तान में हम सब एक ही हैं, हम ईद में भी जाते हैं, लोग हमारे दिवाली में भी शरीक होते हैं, हम हर एक त्यौहार में साथ में रहते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जब भी हमें कुछ इबादत करने का अवसर मिलता है, कुछ हमारी एक मन्नतें रहती हैं, तो हम ये नहीं देखते हैं कि हम अजमेर दरगाह जा रहे हैं या माहिम के दरगाह जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम पाके शरीफ जा रहे हैं, वारिश दरबार जा रहे हैं, लखनऊ बाराबंकी में हम जाते हैं, सब जगह किसी इस तरह की बातें नहीं होती। देखिए, ये तो सिर्फ एक कहने वाली बातें होती हैं कि ये यहाँ पर ये होती है, ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन जब तक हम अपने कानों से और आंखों से सुने और देखे नहीं, हम उस चीज़ पे यकीन न करें। मेरा यही मानना है कि हम इस एक भारत में जहाँ पर अलग अलग धर्म हैं, सब एक सरीके के रहते हैं और इसी तरह से रहें, भाईचारा को बढ़ाएँ, और जब मुट्ठी बनती है तो उस मुट्ठी को कोई तोड़ नहीं सकता, ये आप भी जानते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक पैगाम मिला और आज मेरे हाथ में कुरान भी है, हालांकि मेरे घर में कुरान एक पहले से पढ़ी उर्दू में है, मैं सिर्फ उसे सजदा करता हूँ। गीता भी है, बाइबल भी है, क्योंकि मैं कॉन्वेंट में था, आज भी मैं जिस तरह से चर्च की तरफ से गुजरता हूँ तो मेरी उंगलियाँ अपने आप इस तरह से ये साइन होती है। तो मैं धर्म में फ़र्क नहीं रखता हूँ, लोग धर्म को अलग मानते हैं, लेकिन मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम सब एक हैं, एक रहेंगे और आने वाले समय में भी एक रहेंगे। जिस तरह से मैंने कहा कि हम मुट्ठी हैं, तो हम चंद लोगों की बातों में ना आके हम आपस में लड़ें। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सो मच। इनकी बातों से मुझे एक चीज़ तो ऐसा ज़रूर लगा कि ये पहले भी मस्जिद जाते रहे हैं और मस्जिद में इनको इस चीज़ का ज्ञान है। वो लोग जो धर्म के नाम पे, मतलब जो ऐसे लोग जो असामाजिक तत्व जो ये कहते हैं कि मस्जिदों में या मदरसों में जो ट्रेनिंग दी जाती है वो आतंकवाद की दी जाती है, वहाँ पे हथियार रखे जाते हैं, उन लोगों को इन्होंने एक मैसेज दिया है कि आप आइए और मस्जिद को करीब से देखिए, फिर डिसाइड कीजिए कि क्या यहाँ पे आतंकवाद होता है या यहाँ पे शांति की शिक्षा दी जाती है। थैंक यू सो मच।